You know, guys, the reason why we are creating this entire video and top 10 movements of 2019 Godi Media, because media became Modia. Dalal! ये लोग पैसा छाप रहे हैं, छापो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी बुरी तरह से देश की जनता को चूतिया बना रहे हैं ना। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनके करतूते देख लो 2019 की, ताकि 2020 में आप थोड़े केयरफुल रहो। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपरमैन। पहले तो कितना गिर गया है हमारे न्यूज चैनल्स का स्टैंडर्ड, ये देख लो। अमेरिका का दलाल बहन तो दैट अब्यूज इज अनदर थिंग, बट द स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट, I mean, check this out. ये 303 नाम का 303 टैबलेट का है या 303 कैप्सूल का है या वायाग्रा का है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे वायाग्रा से लेके तो चड्डी बनियान जांगिया तक की बातें हो रही थी, वो भी प्राइम टाइम पे। दूध पिलाओ दूध चाणक्य को अमूल ताजा, लिटरली ये हालत है। और ये बड़े बड़े लोग बातें कर रहे थे, देखो इनकी सोच और मानसिकता। वो इंजिमाम उल्लक जो हार जाता था ना मैच, फिर बोलता था बॉयज विल प्ले इट बॉयज, बड़ा बड़ा बड़ा, ये हाल हो रखा है आज की तारीख में। मर्यादित तरीके से डिबेट करें, बहुत तरीके से चल रहा है साहब। अर्णव गोस्वामी, दिस गाय यूज्ड टू शाउट, कैन आई टेल यू व्हाई, देन यू स्टॉप, आई टेल यू व्हाई, आई कांट शाउट ओवर यू ड्यूरिंग द डिबेट, इट्स एक्चुअली नॉर्मल फॉर अस नाउ, बट नाउ ही स्टार्टेड डांसिंग। आप रुक जाइए ना। You know, guys, you can trust anyone, but do not trust the media right now, because they all are sold out. Now, let's move forward for number 9. ये जो पत्रकार होते हैं ना, ये सच्चाई का पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं सच्चाई का, ये सब में समानता रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है। ओके, चेक आउट द एटीट्यूड ऑफ मोदी जी की बेटी हियर, आई मीन लुक एट द जेस्चर हियर। पर ये मोदी जी के सपोर्टर्स को प्यार करते हैं और उनको जो सवाल पूछ उनको हेट करते हैं। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहां पे, पर ये वीडियो देखो आप। शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। वो शक्ल देखो, ये उस टीचर वाली शक्ल है जिसको आपने साल भर बहुत परेशान किया और वाइवा का टाइम है। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? पर अभी ये पूरा वीडियो देखना, बड़ा सही पलट के पकड़ा है। अच्छा, तो वो सेक्युलर नहीं है, मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। टूट गया यार, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमे लफ्ज सेक्युलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है, आप आज इंकशाफ हो रहा है आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेक्युलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है, कभी ने, कभी ने, कभी ने, मैं बहुत अच्छा। इसलिए कहते हैं बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। मोदी जी भी बोलेंगे तू मुझे सपोर्ट मत कर, मुझे उल्टा फंसा रही है तू। एंड नाउ द मूवमेंट नंबर 8, एंड हाउ कैन वी मिस दैट, आई मीन मारियो टू देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी माता बना दिया था निर्मला सीतारमन जी को, लक्ष्मी माता माफ करना इनको, इसलिए लक्ष्मी माँ नाराज हो गई और ऊपरी इकोनॉमी डूब गई। एंड रिमेम्बर व्हेन शी रिप्लेस सूटकेस, इट बिकेम अ न्यूज। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रीफकेस वाली 159 साल पुरानी परंपरा तोड़ दी है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने इसकी वजह बताई कि ये पश्चिमी विचारों की गुलामी से बाहर निकलने का प्रतीक है। किसमें ला रहे हो ये जरूरी नहीं है, पर वो बेहतरीन होना चाहिए, लोगों को उससे कुछ राहत मिलनी चाहिए। अभी देखो कितना बुरा फेस है, सूटकेस खत्म हो गया, उसकी जगह पोटली ने ले ली। अरे यहाँ तक नहीं बदला, ये हमारा 2 रुपी चिप नोट, इसने मारियो का रिप्रेजेंटेशन बना दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 340 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। एंड नाउ नंबर 7, द मीडिया वाज प्रेजिंग मिस्टर मोदी, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू एवरी डिटेल ऑन हिम। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। अरे मोदी जी को तो सुपरमैन बना दिया, पर कॉमन मैन को चूतिया समझ रहे थे ये लोग। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दम। आई मीन दिस इज आवर मीडिया, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दे शुड रिपोर्ट अस ऑन द फैक्ट्स। एंड दे आर कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। मतलब दुनिया की सारी बकचोदी गुप्त ज्ञान एक तरफ, नासा फासा हटाओ आप,
इस जर्नलिस्ट की बात ही अलग है। नंबर 6 पे भाई को रखा है। क्या हुआ? याद है वो चिप वाला? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ। ओके, रिमेंबर द टाइम व्हाट बालाकोट हैपेंड? वी गेव द फिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान एंड दिस गाय वाज टेलिंग द वर्ल्ड हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम न्यूक्लियर अटैक। और बहचुप कैसी बकचोदी चल रही है, कंबल के अंदर छुप जाए, पानी के अंदर घुस जाए, अरे बाप रे बाप, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती, खुले में आगना बंद करो। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है तो अपनी जानकारी में किसी सुरक्षित बेसमेंट में कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रखें। अरे ये न्यूज चैनल का नित्यानंद है, इसकी अपनी अलग ही बकचोदी पेली जाती है। खाने पीने के सामान को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होता है और पीने के पानी के लिए भी यही सावधानी बरतनी होगी। यू नो देयर आर सम पॉलिटिशियंस, फॉर देम साइंस इज शिट, दे डोंट गिव अ शिट टू साइंस। अरे बिप्लव देव, इन लोगों ने साइंस के लोटे लगा दिए, पर एक ऐसा बंदा उभर के आया जिसने नेताओं को भी पीछे छोड़ा, मतलब हाथ में 12 रुपए के बोझे पहन के चांद पे जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया, पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। देखो इसको, ये देखो, ये हेलमेट देखो, लेडीज हेलमेट पहन के चांद पे जा रहे हैं। हमारे चौरसिया पड़ गई टूटा सपनों का महल। You know, journalism is the fourth pillar of the democracy. And look at this pillar here. पागल समझते थे तुम्हारी माँ का चंदना? पागल समझते थे भोसड़ी वाले? And his interview with Mr. Modi. After Akshay Kumar, क्या आप आम खाते हैं? He was like, क्या आपकी जेब में पर्स है? मुझे भी सरप्राइज है. आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने. And now on number fourth. I mean, this lady. Don't know what kind of IQ she has. देखो जी, इकोनॉमी के लोटे लगे हैं, आप सबको पता है, तो रिजर्व बैंक इंडिया के पास अपने रिजर्व्स होते हैं जिनको कभी टच नहीं करते, लेकिन निर्मला ताई थैंक्स टू, हमने सबसे ज्यादा अमाउंट लिया है टू यू नो गिव अ स्टेबिलिटी टू इंडियन इकोनॉमी। वो बहुत गलत बात है, रिजर्व्स को कभी टच नहीं करना चाहिए। तो ये मोदी जी की बेटी, अपना पैसा ले लिया तो दिक्कत क्या है? अरे गवर्नमेंट रिजर्व बैंक को खाली कर रही है, पूछ रही है अपना पैसा ले, दिक्कत क्या है? हर चीज में वो कलर में पिंक चाहिए होता ना। आनंद बाजार पत्रिका, और आपका नाम है रूबिका। देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखिए मैंने अभी बैठे बैठे आपको बता दिया, पत्रिका और रूबिका। No, this is not the fourth movement. Fourth movement is yet to come. Check out this Pakistani minister on her channel. देख रहे हैं आप? ये है मेरी बातों की सच्चाई। तो मैंने कहा इसमें प्यार की वो झलक नहीं देखी होगी जो मैंने देखी। ये बहुत देर तक ये करता रहेगा, सुन लो। ए मोहब्बत आ गई, ए अबू। ऐसे प्राइम टाइम भरा जाता है। अब फोर्थ मूवमेंट, देखो क्या हुआ था कि मोदी जी सबको इंटरव्यू दे रहे थे, अब इन सब में सवाल पूछने की हिम्मत तो है नहीं, तो कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे। आप थकते नहीं? मैं भी कई बार ऐसा होता है, थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? You know, if you remember, that time was the election time. I mean, Godi media was at the peak. They were buttering Modi ji left, right, center, everywhere. आप थकते क्यों नहीं? अरे मैं थकता जरूर हूँ जी, और जब भी मैं थकता हूँ, अपनी थकान मिटाने के लिए विदेश यात्रा में निकल जाता हूँ, अपने आप ठीक हो जाता है। क्या बात है मोदी जी? Shut up, मित्रों। And now the movement number 3, when this Pakistani minister went to Arnav Goswami's channel. I mean, remember that Goswami? Are you ready to hear? पहली बार अर्णव को किसी को सुनते हुए सुना है। ये नहीं है, मूवमेंट तो वही रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा है, सदाबहार, मतलब गोदी मीडिया की हिस्ट्री का सबसे गंदा चैप्टर, उठा लो वही। कहीं से शुरू किया, कहीं खत्म की। नाउ द मूवमेंट नंबर 2, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट
दिस थिंग। पूरे गोदी मीडिया के लिए लेसन ये जी है, माय डियर फ्रेंड मैं तुम्हें दो शब्द कहूंगा। आपके प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल या पॉपुलर मीम बड़वा दलाल, डन विद इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर नंबर वन। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। नहीं, ये मूवमेंट नहीं है जी, ये मोदी जी को पापा बनाने के बाद मानी नहीं, इसने मोदी जी को इंडिया का पापा भी बना दिया था, याद है वो? याद है वो? ये देखो ये बैनर। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है, और आजकल तो शिवसेना वाले भी ढूंढ रहे हैं इनको। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। एंड शी टर्न आउट टू बी अ लोल पत्रकार ऑफ द ईयर। नेक्स्ट ईयर इनका ध्यान रखिएगा, नंबर वन मूवमेंट हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि कम से कम इंडिया का पापा तो मत बोलो। सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। सो गाइज, ऑल आई वॉन्ट टू से दिस, बी केयरफुल विद दीज पीपल इन 2020, दे आर नॉट वरीड अबाउट यू, अबाउट द कंट्री, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी, सो बी केयरफुल। इन शॉर्ट यू कैन कॉल देम दलाल।